क्या एक निर्दलीय विधायक के रूप में यूनुस खान भी देंगे नई सरकार का समर्थन? यूनुस खान का देखिए, वो तो मैडम के साथ हैं, उनका वोट मैडम डिसाइड करती हैं, फ़ोन आ जाएगा तो वोट दे देंगे। पर सवाल ये है ना, वोट चाहिए किसको? अभी अमित शाह को तो नहीं चाहिए, भजन लाल शर्मा को नहीं चाहिए वोट, अभी अरुण सिंह को नहीं चाहिए, 115 लोग हैं, वोट की ऐसी कोई मारामारी है नहीं यहाँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, व्हिप आता है तो यहाँ से तो एबसेंट हो नहीं सकता, अमित शाह का डंडा है। दूसरी पार्टी के लोग फिर भी हो सकता है, अशोक गहलोत के दो आदमी एबसेंट हो गए, कोई और एबसेंट हो गया, इंडिपेंडेंट एबसेंट हो गया, तो एबसेंट हो नहीं सकते, तो इनको ज़रूरत तो उस तरह से है नहीं। लेकिन फिर भी क्या है, यूनुस खान का चुनाव जीतना एक अच्छी बात है। क्यों, वो रोया था इस बात से कि मुझे पार्टी ने मौका नहीं दिया, निकाल दिया, तो एक लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में क्या, जनता ने उनका सम्मान किया, उनको चुनाव जिताया, तो अच्छी बात है। वो विधानसभा में आएंगे, बोलेंगे, और वसुंधरा राजे भी भाजपा में है। पर एक लाइन की बात है, वसुंधरा राजे से वो इतना ज़्यादा अटैच हैं एक तरह से, कि उनके बारे में जब कोई बात चलती है तो मैडम का चेहरा ध्यान आता है, दैट इज है। बट ही इज़ ए गुड पर्सन, पॉपुलर है, चुनाव जीता उन्होंने, और ये भाजपा की एक चुनौती थी एक तरह से उनको, अरुण सिंह वगैरह की, यार इसको नहीं जीतना है। होता ना, हर पार्टी का अपना रोल होता है, अपना स्टैंड होता है, तो उस डिफाई करके उसको जो है ना ओवर रूल करके एक तरह से जो है यूनुस खान ने चुनाव जीता, और अपने आप के अंदर एक विधायक हैं। अब वो समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि खास महत्व की बात नहीं है सर। संसद